हेलो फ्रेंड्स, विन स्टार अकेडमिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ लेखपाल 2018 का स्पेशल बैच प्रारंभ हो गया है और अब आपको डेली हिंदी जीके एवं रीजनिंग की क्लास मिलती रहेंगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे, जिनसे वीडियो के एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक देखते रहें। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी और इसका आंसर डी भी सही होगा दोस्तों। मन में खटकना भी होता है और वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा भी आँखों में गड़ने का मुहावरा होता है, इसका दोनों आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना मतलब किसी सीमा का हद हो जाना, तो इसका सही आंसर होगा बी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, कुछ ज़्यादा हो जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना सिर से पानी गुजर जाने का मुहावरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका सही आंसर होगा सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कुछ भी समझ ना आना, उसे ही अक्ल पर पत्थर पड़ना कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, अंडे सेना, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, तो अंडे सेना मुहावरे का जो अर्थ है इसका सही आंसर होगा डी, घर में बेकार बैठना मतलब किसी काम का ना होना, घर में बेकार बैठे रहना, उसे कहते हैं अंडे सेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतम पैजार, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है, तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है जहाँ बहुत शोर शराबा या झगड़ा हो रहा हो, तो इसका सही आंसर होगा ए, लड़ाई झगड़ा होना, उसे जूतम पैजार कहते हैं, जूतम पैजार होना या लड़ाई झगड़ा होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सातवां क्वेश्चन, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, केवल एक व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता, इसका एक और मुहावरा होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाव बारह होना मतलब अधिक से अधिक लाभ पाना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अत्यधिक लाभ पाना, अधिक से अधिक, हर बार अधिक से अधिक लाभ पाने को ही पाव बारह होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर कुछ कष्ट होता है वही कष्ट का अनुभव करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना दसवां क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कह देता है तो उस पर विश्वास कर लेना, उसे कहते हैं कान का कच्चा होना। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही सभी चैप्टर की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने टेकना का अर्थ होता है सी, हार मान लेना, घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, दो चार लोग मिलके खिचड़ी पका रहे हैं मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है,
तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम डॉक्टर मतलब झोला छाप डॉक्टर भी कहा जाता है दोस्तों, तो जिनको अल्प ज्ञान होता है वही मतलब नीम हकीम होते हैं, हानिकारक होता है नीम, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौ बारह होना, पौ बारह होना का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना, इसका सही आंसर होगा ए, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, इसका सही आंसर होगा सी, प्रलोभन देना या लालच देकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सोलहवां क्वेश्चन, खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्तियों का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर होगा डी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, इसका मुहावरा है खुदा गंजे को नाखून न दे, तो इसका आंसर होगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है, तो इसका सही आंसर होगा बी, एक दूसरे की सहायता करना, कभी नाव गाड़ी पे होती है तो कभी गाड़ी नाव पर, ये एक दूसरे के सहायता करते हैं, इसका सही आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका सही आंसर होगा ए, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो इसका सही आंसर होगा असंभव कार्य करना डी, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, असंभव कार्य करना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर होगा डी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका सही आंसर होगा डी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे आपको भी लाभ हो और हमारे क्वेश्चन सभी दोस्तों तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है, तो आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है 21वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, इसका सही आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो चिकना घड़ा होना का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, जिसे लज्जा न हो उसे चिकना घड़ा होता है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्तिपूर्ण वाक्य होती है, यह कथन, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह कथन आपको बता दें दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्तिपूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है सही, बिल्कुल ही सही कथन, इसका सही आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, निर्मम मतलब जिसमें बिल्कुल दया न हो, तो इसका सही आंसर होगा बी, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति जिसमें बिल्कुल दया न हो निर्दयी उसे निर्मम भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, तो समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ए, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, समय के अनुसार काम करना, इसका सही आंसर होगा ए, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ होता है, तो दांत गड़ा दिए का, तो इसका सही आंसर होगा बी, दूसरे की वस्तु देखकर लालच आना, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, इसका सही आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन, चांद पर थूकना,
चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है, तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ए, असंभव काम करना, चांद पर थूकना का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओ के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, आठ आठ आंसू रोओगे, अगर बिल्कुल समय पे पढ़ाई नहीं करोगे तो आठ आठ आंसू रोना पड़ेगा, इसका सही आंसर यही होगा बुरी तरह पछताओ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन न समझ आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।